किसानों को विरोध करने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका समर्थन करें तो हमें असमर्थन अधिकार है। लोकतंत्र में जहाँ विरोध का अधिकार है वहाँ हमें समर्थन करने का अधिकार है। तो आज उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के लिए उसके विरोध में आज हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी उस विषय में ये प्रेसवार्ता और उससे पूरा अपनी पार्टी है। मैं अपनी बात करूँ कि जो भी हमारे अधिकारी होते हैं वो अपनी चौथा है और कुछ हमारी नियुक्तियाँ भी हुई हैं नहीं, मैं उनका भी आपसे जो भी उनका ताल्लुक भी मीडिया से ही है तो मैं उनका भी आपसे परिचय करा दूँ। मेरे इस ओर से श्री अशोक चौहान जी जिला मीडिया सहप्रभारी, बहन सुनीता गोयल जी जिला मीडिया सहप्रभारी, श्री विशाल गोस्वामी जी जिला मीडिया सहप्रभारी और उसके बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारी माननीय जिलाध्यक्ष, महामंत्री रविंद्र जी और जिला सचिव बहन रीता चौधरी। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो विधिवत रूप से अपनी वार्ता। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप एक छोटी सी सूचना मिलने के बाद प्रेस वार्ता के लिए पहुँचे और आज का प्रेस वार्ता का विषय है लोकतंत्र पर हमला। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कैमला गांव में एक किसान महापंचायत के आयोजन में अपनी बात रखने के लिए शामिल होना था। वहां पर उस महापंचायत में बहुत बड़ी संख्या में कैमला गांव से, पूरे के पूरे करनाल से, पानीपत जिले से, आसपास के और भी जिलों से किसान भाई सम्मिलित हुए, साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे भाई और बहन सम्मिलित हुए और उस कार्यक्रम में कुछ शरारती तत्वों ने आके एक उपद्रव मचाया, लोकतंत्र पर हमला किया। वहां पर आकर इन उपद्रवी तत्वों ने टेंट उखाड़ा, कुर्सियां तोड़ी और जितने भी हमारे किसान भाई वहां पर शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी से संवाद करने आए थे, उनकी बात सुनने आए थे, उन किसान भाइयों पर और जो बहनें बैठी हुई थी उनके ऊपर हमला किया, सबको भयभीत कर दिया। तो आज इस हमले की मैं बहुत निंदा करती हूँ। ये भर्त्सनीय है क्योंकि ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर हम ये कहते हैं कि आपको कोई बात मंजूर नहीं है तो आप उसमें शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, हमें उस चीज से कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन उसी तरीके से अगर आज हमारे मुख्यमंत्री, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष शांतिपूर्वक माहौल में अपने किसान भाइयों से, अपने कार्यकर्ताओं से एक संवाद करना चाहते हैं तो क्या ये संभव नहीं है? क्या ये शरारती तत्व इस तरीके की हमारी आपस की बैठकों को, आपस के संवाद को इस तरीके से कुचल सकते हैं? और उसके बाद आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मानवीयता देखिए कि उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि जो उपद्रवी तत्व इस तरीके की घटिया हरकतें कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके का पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई करने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। उन्होंने सारी चीज को, सारी संभावना को देखते हुए अपना हेलीकॉप्टर वहां से वापस कर लिया कि अगर मैं हेलीकॉप्टर से उतरता हूं और ये उपद्रवी तत्व हमला करते हैं तो कहीं इन उपद्रवी तत्वों पर कोई ज्यादा वापस में कोई पुलिस को कोई सख्त कदम ना उठाना पड़ जाए। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हर चीज को इतनी संवेदना से लेते हैं कि हम लोग एक शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं और उसके ऊपर भी ये शरारती तत्व किस तरीके से प्रहार करते हैं। आज जो तत्व शरारती वहां पर आए थे वो कोई, मैं नहीं मानती कि वो कोई किसान भाई वहां पर हम लोगों पर हमला करने आए थे। जो किसान है अगर उसको कोई तकलीफ है
तो वो शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहा है अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो। लेकिन इस तरीके से डंडे लेकर आना, शोर मचाते हुए आना, सब चीजों को रौंदते हुए चले जाना और गाड़ियां भी उन्होंने तोड़ दी कुछ कार्यकर्ताओं की, तो ये हमला बहुत तरीके से निंदनीय है। जितने लोग मंच पर बैठे थे उनको भी चोट लग सकती थी, लेकिन चलो शुक्र है कि किसी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी नियत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और ये हमारे विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो आज, क्योंकि कोई मुद्दाहीन है, आज उनके पास कोई आरोप नहीं है लगाने के लिए, तो वो इस तरह के उपद्रवी तत्वों को हवा दे रहे हैं। आपने दो तीन दिन पहले कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि शरारती तत्वों को उकसाया जा रहा है कि कैमला गांव में जाकर आप आक्रमण करो, और इस तरह के आक्रमण की हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। और हम सब मिलकर शांतिपूर्वक आज फिर आप सब से बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के हमले जो है वो मंजूर नहीं है। अगर आप शांतिपूर्वक आंदोलन करते हो तो हम भी शांतिपूर्वक कोई बात अपनी कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, और हम लोग इन हमलों से डरे भी नहीं है, रुके भी नहीं है, थके भी नहीं है। और हम इस तरीके की पंचायत पूरे के पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह पर, जहां की भी पंचायतें हमें कहती हैं कि हम इस तरीके की किसान महापंचायत का आयोजन कर सकते हैं, हम ये महापंचायत सब जगह आयोजन करेंगे। ये लोग ये ना समझे कि हम लोग डर के वहां से बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री जी केवल इस वजह से कि कहीं पुलिस को कोई सख्त कार्रवाई ना करनी पड़े, केवल और केवल इस वजह से वो ना उतरे कि कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आप उनको उपद्रवी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम किसान हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप मेरे को केवल एक बात का जवाब दीजिए, जो अगर कोई किसान है किसी को, ये आप देख, आप मान सब जानते हो कि भारत जो है एक सबसे बड़ा एक लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, महान लोकतंत्र है, और हम मानते हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्रीय प्रणाली से सारे काम होते हैं। हो सकता है किसी चीज पे किसी संगठन को कोई दिक्कत अगर आ रही है तो शांतिपूर्वक वो अपना आंदोलन रख सकता है। हम किसी को भी यहाँ आंदोलन करने से, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप शांतिपूर्वक दूसरे को कोई बैठक ना करने दो, शांतिपूर्वक दूसरे को किसी को अपनी बात ना रखने दो। आप ये बताइए, इतने दिनों से वो सिंधु बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या किसी ने कहा कि भाई आप आंदोलन ना करो? वो अपनी बात रख रहे हैं, आंदोलन रख रहे हैं, लेकिन आज अगर हम किसान महापंचायत कर रहे हैं तो इसमें आप बताइए, इसमें किसी को भी क्या तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल आने में तो रुक कर गया था उनको जब वो जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल जो लोग डंडे लेकर आ रहे हैं, अगर आप किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहे हो तब तो उनको मना ही किया जाएगा ना कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। आप, ये आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, जब किसान वहां से चल रहे थे पंजाब से और हरियाणा से, जब बैरिकेड सड़ाए गए तो 20-20 फुट नेशनल हाईवे आज तक नहीं खुदा, वो खोदा गया, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी क्या? प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक कोशिश ये है, दूसरी बात अब अगर आप ये देखोगे तो आज जिस किसान आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जिस किसान आंदोलन की आप बात कर रहे हो, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की सारी शर्तें मान ली। पहले ही कहा गया था कि ना MSP बंद होगी, ना उस सवाल पे भी आएंगे अर्चना जी, मंडियां बंद गुप्ता जी, वो सवाल नहीं है, जवाब ये है कि वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी कि नेशनल हाईवे को 20-20 फुट खुदवा दिया गया? केवल शांति पूर्वक ढंग से उनको ये कहा गया कि भाई आप सड़कें जाम ना करो। आज अगर आप देखो जितने भी व्यापारी हैं, अगर आज पानीपत के एक्सपोर्टर्स की आप हालत पूछो, व्यापारियों की हालत पूछो, अगर किसी मरीज ने दिल्ली जाना हो, किसी जिस तरीके से सारे के सारे रास्ते जाम दिए कर दिए गए हैं, उस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पे, स्पेशली मैं कहती हूँ पानीपत जाम रह रहे हैं, यहाँ के एक्सपोर्टर से आप एक बार हाल पूछो कि उनकी अर्थव्यवस्था पे कितना असर पड़ा है। उन लोगों की टाइम बाउंड डिलीवरीज होती हैं जब भी कोई सामान बाहर जाना होता है, लेकिन उनके कंटेनर जो है वो टाइम से एयरपोर्ट पर या अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो और आज जब सरकार ने उनकी सारी की सारी शर्तें मान ली हैं कि MSP को भी कानून में लाया जाएगा, मंडियां भी रहेंगी, कब कहा इस सारी बात को की सारी बातें मान ली गई हैं, लेकिन वो केवल एक ही बात पड़े हुए कि तीनों के तीनों कानून वापस लो। MSP को कानून में कब माना गया? ये माना गया है कि हम MSP का भी आश्वासन देंगे, मंडियों का भी आश्वासन दिया गया है। आप कह रहे हैं, आपने कहा है कि सारी बातें किसानों की मान ली गई है खुले मन से, लेकिन वो केवल कौन बनाता है सरकार
मैं सरकार हम सब नागरिक सरकार बनाते हैं, किसके लिए काम और करती आप है? ये ये पदों पे बैठकर सिर्फ अपने लिए काम ये करते ऐसा हैं। मदन जी बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार पदों पर बैठकर कोई भी काम अपने लिए कर रही है। ये वो कानून है जो पहले कांग्रेस पार्टी ही लाना चाहती थी। आज जिन टिकैत जो कांग्रेस के कितने आज जो टिकैत इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जब ये कानून आए थे सबसे पहले उन्होंने ही इसका समर्थन किया था। और अगर आप इसको अच्छी तरह से देखें तो किसी भी किसान को किसी भी कानून से, जितने भी कानूनों को अगर आप पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे तो कहीं पर भी किसी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एमएसपी भी यही रहेगा, मंडी भी रहेगी। एक सिर्फ चीज जो आज किसानों को, अभी तक हम ये बात उनको, जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको केवल एक ही बात कह रही है कि तुम्हारी तो जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। अर्चना जी दो सही, बिल्कुल सही बात है। आप ये बताइए कि आपने कहा कि पंचायत पे भी आएंगे, लेकिन भी ये सारी चीजें हैं कान, वो भी तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी यही रहेगी, ये दोनों चीजें रहेंगी, तो इसको कानून अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? इसके बारे में सरकार हर संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन वार्ताएं विफल हो रही है। वार्ताएं केवल इसलिए विफल हो रही है कि वो लोग, अगर मान लो हंगा नहीं चलता, लोकतंत्र में वार्तालाप से बात संभलती है, वार्तालाप से बात चलती है। सरकार खुले मन से सारी चीजों को संशोधन करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आज आप एक जिद पे अड़ जाओ कि नहीं जी हम तो इन कानूनों को वापस करवा कर ही रहेंगे, तो ये इसको आप क्या कहेंगे? मनोहर इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? एक की जिद है कि वो कानून वापस लिया जाए। देखिए लोकतंत्र में अगर पब्लिक की सुनी जाती है तो फिर क्या करोगे? केवल कुछ विपक्षी पार्टियां जो उपद्रव कर रही हैं उसकी वजह से केवल कुछ लोग जो हैं इस चीज के ऊपर आज अड़ गए हैं, लेकिन आप उन प्रोग्रेसिव किसानों से अगर आप पूछोगे, बॉर्डर पे बैठे लोगों को आप उपद्रवी तो नहीं कह सकते, वो तो किसान है। आपकी बात मानगी, लेकिन आज जिस तरीके से जिन लोगों ने हमला किया, क्या वो उपद्रवी नहीं थे? क्या आंदोलन करने का ये कौन सा तरीका है कि अगर शांतिपूर्वक ढंग से कुछ हजार लोग आराम से बैठ के बात करना चाह रहे हैं तो उन पर आप आके डंडे लेकर निहत्थे लोगों पर हमला कर दो? अभी आपने कहा कि आज मुख्यमंत्री की मनमानसी है कि आज पुलिस को ऑर्डर नहीं दिए गए और पुलिस ने सख्त कदम नहीं उठाया, लेकिन आज भी वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले तो आज भी प्रयोग किए गए। वाटर कैनन देखिए, जब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर, ज्यादा नहीं तो सैकड़ों की तादाद में वो लोग डंडे लेकर आए हुए थे, और उस तरीके से आप ये सोचिए, फिर भी किसी भी जो उपद्रवी जो लोग आए हुए थे किसी को कोई हताहत नहीं हुआ। ये केवल और केवल मुख्यमंत्री जी की मानवीयता थी कि चलो जो भी आ रहे हैं हम कोई भी सख्त कदम नहीं लेते, अगर मैं लैंड करता हूं तो हो सकता है पुलिस को कोई सख्त कदम उठाना पड़े। हो सकता है मुख्यमंत्री को ये डर हो कि मेरी सरकार ना गिर जाए। नहीं, ऐसी अगर ऐसा कदम उठाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं केवल कि भाई कोई भी हतोहत ना हो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मनोहर पार्ट टू चल रही है और 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ऐसे में इससे पहले भी ऐसा कोई वाक्य देखा कि आपने कि साथ साथ बैरिकेड करने के बाद इस तरह की महापंचायत करनी पड़े? और दूसरा सवाल साथ के साथ मेरा ये है कि उपद्रवियों और किसानों की पहचान कैसे की जा रही थी जहां 7 बैरिकेड? भाई मैं महापंचायत में जाना चाहता हूं या फिर उसके साथ, अगर कोई भी आदमी नॉर्मल, ये तो आप भी समझ सकते हैं जितेंद्र जी, कि अगर मान लो जो भी लोग किसान उसमें महापंचायत में सम्मिलित होने जा रहे थे वो कोई डंडे लेके तो नहीं जा रहे थे, उन सबको तो किसी को नहीं रोका गया, क्योंकि परसों भी ये लोग वहां पर जाकर कैमला गांव में इन्होंने काफी उत्पात मचाने की कोशिश करी, तो ये आज बैरिकेडिंग भी केवल एहतियात के तौर पर करनी पड़ी, लेकिन किसी को रोका नहीं गया था अंदर जाने के लिए। जो लोग भी जा रहे थे उनको जाने दिया जा रहा था, लेकिन आप ये तो इसमें तो हर जना ही डिफरेंशिएट कर सकता है ना, मैं गांव में भी है या जो उपद्रवी होगा वही तो डंडे लेके आया होगा, कोई जो सामान्य किसान थे या सामान्य कार्यकर्ता थे वो तो सामान्य तौर पर ही गए थे ना आज उस महापंचायत में शामिल। मैं वहां पे कवरेज कर रहा था और मैं गांव में भी गया, उन लोगों के लिए पूरे गांव के अंदर हर घर से पानी चाय, उन लोगों के लिए जिनको आप उपद्रवी कह रहे हैं, पानी चाय पिलाई जा रही थी। था कि आप आइए सुनिए, मैं पूरा सवाल सुनिए, उसके बाद दूसरी बात यह है कि मैंने कुर्सियां भी गिनी, 1000 के करीब कुर्सियां वहां लगी हुई थी, लेकिन जो बाहर से आए थे ये भी पहली बार हो रहा है कि 5 से 6 हजार लोग
उपद्रवी हैं जो विरोध कर रहे हैं और महापंचायत 1000 लोगों की हो रही है। वहां पर आपने मेरे पास विजुअल है, मैं अभी भी दिखा लिए गई थी, 5000 से भी ज्यादा लोग आज इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। एक सवाल मेरा है, आज जो जिसको इनको उपद्रवी कह रहे हैं, वो किसान, वो अपने आप को किसान कहते हैं, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री पानीपत में झंडा फहराएंगे, क्या उस दिन की क्या स्थिति हो सकती है? अगर इनके बिल वापस नहीं, कृषि बिल वापस नहीं लिए किसानों के, तो इसको कैसे संभालेंगे, इसको कैसे देखते हो आप? देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री जी पानीपत में गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आज भी किसानों ने आज हमारे मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी है तो शांतिपूर्वक ढंग से मुख्यमंत्री जी भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन डंडे के जोर पर कि आप डंडा लेके पिटाई करने के लिए आ रहे हो, उस स्थिति में, उस माहौल में आज आप भी पत्रकार हो और वहां पर हमारे पत्रकार बंधु भी थे, आज कुछ पत्रकार बंधुओं के कैमरे भी टूटे हैं वहां पर, और ये मुझे अभी तक जानकारी में नहीं आई है, हो सकता है किसी पत्रकार बंधु को चोट भी लगी हो। 26 तारीख को भी ऐसी स्थिति अगर पानीपत में होती है तो फिर क्या होगा? क्योंकि किसान नेता कह चुके हैं कि हम दिल्ली और तमाम जगह जहां मुख्यालय होंगे वहां पर किसी का भी नहीं, नहीं, वो ट्रैक्टर का अपना मार्च निकालेंगे, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हो या फिर केंद्र। मैं कहती हूं, चाहे वो ट्रैक्टर का मार्च निकाले, चाहे वो कहीं आंदोलन पे बैठे, ये एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जब तक कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम किसी भी तरीके के आंदोलन को, किसी भी तरीके की ट्रैक्टर रैली हो चाहे साइकिल रैली हो, हम किसी भी चीज को इनकार नहीं करते, सब जनों को, सबका इस देश पे पूरा अधिकार है। लेकिन किसी निहत्थे पे वार करने का, जो शांतिपूर्वक ढंग से लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर आप तेजी से चलते हुए 100-500 लोग आके डंडे बरसाने शुरू कर दो, इसका अधिकार तो चाहे वो किसान हो चाहे कोई भी हो, इसका अधिकार हमारा कानून व्यवस्था नहीं देती। तो अब पुलिस फेलियर मानते हैं कि इतने बड़े छावनी बनने के बावजूद भी टेंट को उखाड़ दिया गया, कुर्सियों को उखाड़ दिया गया। सिर्फ ये हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे कि कोई सख्त कदम उठाए जाए और किसी को नुकसान हो, इस वजह से जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अगर वो चाहते तो कभी भी सख्त निर्देश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंस का फेलियर है, फेलियर है या नहीं है? इसमें इंटेलिजेंस के फेलियर वाली मैं नहीं मानती कि कोई इंटेलिजेंस के फेलियर वाली बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर कोई किसान भाई आके वहां मुख्यमंत्री जी से शांतिपूर्वक तरीके से बात करते, तो मैं नहीं मानती हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां थे, हमारे खेल मंत्री वहां थे, हमारे शिक्षा मंत्री वहां पर थे, हमारे सांसद वहां पर थे, अगर वो लोग आकर आराम से बात करते तो वो उनकी बात एक घंटा भी सुनते। जिनके जिनके क्षेत्र में यह, जिस विधानसभा क्षेत्र में यह महापंचायत का आयोजन हो रहा था, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब टेंट फट चुके थे, हरविंदर कल्याण जी वहां पहुंचते हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उनको वहां से भगाते हैं, ये थोपा जा रहा था कि राजनीतिक चीज उस पर असर ना पड़े, तो व्यो क्या, मीडिया को भी वहां से खदेड़ा गया, वहां समर्थक जो आपके कार्यक्रम में थे। उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे कैमला गाँव के लोग थे, वो कई दिनों से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। जिस गांव में कोई कार्यक्रम होता है, उस गांव के लोग, आपको पता ही है कि उस गांव के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया वहां पर आ रहे थे, और जब वहां पर हमारे मुखिया नहीं आ पाए, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि मेरे घर पर भी अगर किसी मुख्य, किसी भी अतिथि ने आना हो और लास्ट मोमेंट पे चार कोई भी आके उनका कार्यक्रम अस्त व्यस्त कर दें, तो उस टाइम मुझे भी बहुत बुरा लगेगा और मैं भी उस टाइम आकर कोई भी नारा लगा सकती हूँ। ये आप एक उनकी भावना समझिए कि वो लोग कितने ज्यादा उस टाइम आहत हुए कि जिस मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, जिनकी बात सुनने के लिए वो लोग एक हफ्ते से लगातार तैयारी कर रहे थे, और अचानक ये पता चले कि हमारा मुखिया आज हमारे बीच में नहीं आ रहा। आप देखिए, इतनी बड़ी उन्होंने व्यवस्था वहां पर खड़ी करी थी, वो केवल मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए करी थी, और तो ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पुलिस को ही टारगेट क्यों बनाया अपना, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए थे, वो आहत हुए थे, और उस टाइम कोई भी जब इतनी बड़ी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है तो उस टाइम उसकी रिएक्शन क्या होगी, उसको हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उस टाइम वो क्या बोलेगा। किसानों का विरोध कहेंगे या कुछ? मैं इस घटना को विपक्षी
विपक्षियों द्वारा किए गए हमले को मैं इसकी बहुत बड़ी आलोचना करती हूँ। आप कोई भी आंदोलन करिए, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से करिए, किसी भी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए बिना करिए और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि देश की संपत्ति किसी और की सरकार की संपत्ति नहीं होती, वो हमारी अपनी संपत्ति होती है। हम सबको शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने का, इसमें सब लोग आ गए, सबको पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन उत्पात मचाने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है।